नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। राज्य विजिलेंस ब्यूरो की ओर से बहादुरगढ़ में एक और कार्रवाई की गई है। जी हां, छेड़छाड़ के मामले में 5,000 रिश्वत लेते हुए बहादुरगढ़ के शहर थाना में तैनात महिला मुख्य सिपाही पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात में विजिलेंस ने उसे दबोचा, बाद में उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से झज्जर की दुलीना जेल भेज दिया गया है। बहादुरगढ़ में विजिलेंस की कुछ घंटों के अंदर दो कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले यहां की सेक्टर 9 चौकी में शुक्रवार को राज्य विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की थी। 5,000 की रिश्वत लेने के आरोप में यहां के सिपाही मुंशी नीरज को दबोच लिया था, जबकि हवलदार सोनू फरार हो गए थे। सिपाही को विजिलेंस टीम अपने साथ रोहतक ले गई थी। उसे आज शनिवार को अदालत में पेश किया जाना है। मौके से भागे हवलदार की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल जांच जारी है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।